कई बार प्रदेश की अफसरशाही की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते आए हैं। खासतौर पर पहाड़ों में कई बार अफसरशाही पर लोग सवाल उठाते आए हैं। पहाड़ में अब अफसरशाही बेलगाम होती आ रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं से कैसे लूट खसोट की जाती है और अधिकारी कैसे लोगों को गुमराह करते हैं और वास्तव में जन शिकायतों का क्या होता है, इन बातों का पता चलता है जब आप गांव की योजनाओं पर ध्यान देते हैं। क्या मनरेगा जैसी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है या फिर लोगों को छला जा रहा है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब देते हैं कपकोट के कर्मी गांव के आक्रोशित ग्रामीण। कुछ मनरेगा में गड़बड़ी हुई है, लोगों के भुगतान गलत तरीके से हुए हैं और समयबद्ध तरीके से नहीं हुए हैं, और उनसे मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की अनियमितता मनरेगा में यहां पर ब्लॉक स्तर से की जा रही है, कृपया उसमें ध्यान दें और पब्लिक को जरा राहत दें। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मी गांव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। गांव में जो भी विकास कार्य नरेगा और मनरेगा के तहत आता है तो कर्मी गांव के लोग नियमों के आधार पर गांव में खुली बैठक कर कार्य योजना हेतु प्रस्ताव ब्लॉक को भेजते हैं। यानी कि गांव वालों का सीधे शब्दों में कहना है कि ब्लॉक से उनके प्रस्तावों को बदल दिया जाता है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 8 महीनों से महिलाओं का भुगतान भी नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने ये नरेगा काम करते हैं ना गांव में, तो गांव में प्रधान द्वारा मीटिंग की जाती है, वार्ड मेंबरों द्वारा मीटिंग की जाती है, तो मीटिंग वहाँ जो हम उस मीटिंग में हमारी कार्य योजना चलाई जाती है, तो कार्य योजना ये ब्लॉक में आके बदल देते हैं ये लोग। कार्य योजना जो नहीं आते हैं मीटिंग में, जो जिन आते ही नहीं उनको योजना दी जाती है, उनको बार बार योजना उनको ही दे रहे हैं, और जो हम काम कर रहे हैं, हमने 3-4 काम कर रखे हैं, हमारे अभी तक पेमेंट नहीं हो रखा है। यानी कि ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप अधिकारियों पर है कि वो योजनाओं की बंदरबांट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं ग्रामीण, आप भी सुनिए। 18 ये महिलाएं हैं जिन्होंने मनरेगा के तहत काम किया था, और इन्होंने वहाँ पर काम किया तो इनका पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। एक योजना नहीं है, कम से कम 5-6 योजनाएं हैं, और ऐसी भी योजनाएं हैं जिनमें काम कर रहे हैं लोग, कर चुके हैं, उनका भी बोले हम पैसा डालें लेकिन टाइम निकल गया। अब बोले कि मार्च निकल गया क्लोज, अब उसका आपका जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब आज ये इसलिए आए हैं कि बोले कि हमारी मजदूरी दो नहीं तो हम भूख हड़ताल में बैठते हैं। हम कई 3-4 सालों से परेशान हैं कर्मी में, जैसे मनरेगा का कार्य होता है या अन्य कोई कार्य होते हैं उसमें कोई नियम नहीं, कोई मतलब सिस्टम से कोई काम नहीं होते हैं। आज इसी संबंध में हम यहाँ पर आए थे जिलाधिकारी कार्यालय में, तो वहाँ पर बिना ग्राम प्रधान के साइन मोहर के वहाँ सब काम वहाँ पर हो जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर ऐसा हो जाता है तो न चुनाव कराने की जरूरत है, न ग्राम प्रधान बनाने की जरूरत है, ना कोई सैदुंजा जिला प्रधान कोई बनाने की जरूरत है। इस तरह से अगर काम हो जाते हैं तो कोई चुनाव कराने की जरूरत नहीं। 26/8/2016 में ये योजना रखी गई थी, और वहाँ यहाँ जिलाधिकारी महोदय का आदेश मुख्य विकास अधिकारी को हुआ, मुख्य विकास अधिकारी का मनरेगा में हुआ। कब का ये एस्टिमेट बन चुके हैं लेकिन उनमें जियो टैग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो करने को तैयार नहीं है। ग्राम पंचायत कर्मी के कुछ लोग मेरे पास आए थे जिसमें ग्राम प्रधान जी भी सम्मिलित हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत जो भी योजना पास हुई है उसमें काम नहीं होता है और फर्जी बिल निकाल लिए जाते हैं। उन्होंने 1-2 सीसी मार्ग का भी उल्लेख किया है कि ये कार्य योजना में था बट वो कहीं ऑन ग्राउंड नहीं है और उसका पेमेंट भी हो गया है, और बिना प्रधान के सिग्नेचर के ही बहुत सारे कार्यों का भुगतान हो गया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पर सीडीओ को मैंने कड़े निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के अंदर वो जांच आख्या उपलब्ध कराएं, उसके बाद जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बहरहाल सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तो ग्रामीणों को रोजगार देना होता है, खासतौर पर मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनसे कि गांव के विकास का खाका तैयार किया जाता है। लेकिन जब अधिकारी ही सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगाएं तो क्या कह सकते हैं। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।